हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT 13 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x^29 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 x^5 x^7 x^15। तो हम इसे इस तरह से फाइंड करेंगे, बाई मल्टीनोमियल एक्सपेंशन 1 x^5 x^7 x^9 50 इक्वल टू समेशन 50 बाई r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल इंटू r4 फैक्टोरियल इंटू x^5 r1 इंटू x^7 r2 इंटू x^9 r3 इंटू 1 r4। ठीक है, वेल r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 इज इक्वल टू 50 एंड 5 r1 प्लस 7 r2 प्लस 9 r3 इज इक्वल टू 29। ठीक है, टेकिंग r1 इज इक्वल टू 4 r2 इज इक्वल टू 0 r3 इज इक्वल टू 1 r4 इज इक्वल टू 45 हमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 50 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका भी वैल्यू 29। इसी तरह से एक और वैल्यू हम लेंगे, r1 इज इक्वल टू 3 r2 इज इक्वल टू 2 r3 इज इक्वल टू 0 r4 इज इक्वल टू 45। तो हमें यहाँ पर यह इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 इज इक्वल टू 50 एंड 5 r1 प्लस 7 r2 प्लस 9 r3 इज इक्वल टू 29। सो कोएफिशिएंट ऑफ x^29 इज इक्वल टू समेशन 50 बाई r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर r1 r2 r3 r4 के दो दो वैल्यू हमें प्राप्त हुए, इसलिए हम यहाँ पर एक बार 50 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल प्लस दूसरी बार 50 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू, हम दोनों में से 50 बाई 45 फैक्टोरियल निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ 1 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका वैल्यू 50 × 49 × 48 × 47 × 46 और यहाँ 1 बाई 24 प्लस यहाँ 1 बाई 12 इज इक्वल टू, यहाँ 50 × 49 × 48 × 47 × 46 यहाँ पर 24 और 12 का एलसीएम 24, 24 से 24 वन टाइम में कैंसिल होगा, तो यहाँ 1 × 1 1 हो जाएगा, फिर प्लस 12 से 24 टू टाइम्स में, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2, तो इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, 37,781,400। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, सो डैट द फॉलोइंग ग्राफ इज यूलेरियन बाय प्रोड्यूसिंग एन यूलेरियन सर्किट इन इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शो करना है कि यह ग्राफ यूलेरियन ग्राफ है बाय प्रोड्यूसिंग एन यूलेरियन सर्किट इन इट, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे, हियर एन यूलेरियन सर्किट इज V1, V2, V3, V4, V5, V6, V4, V2, V6, V1। इसमें हमें क्या है कि जैसे कि हम इस वर्टेक्स से चले, ठीक है, तो हम प्रत्येक वर्टेक्स को कवर करेंगे, ठीक है, और साथ ही किसी वर्टेक्स पर हम दोबारा जा सकते हैं लेकिन किसी एज को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर एज पर हमें एक ही बार जाना है, तो यहाँ पर जैसे कि V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5, V5 से V6, V6 से V4, V4 से V2, V2 से V6, ठीक है, और फिर यहाँ पर V1। तो वर्टेक्स पर हम जा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एज पर हमें सिर्फ एक ही बार जाना है। ठीक है, तो इस तरह से यूलेरियन सर्किट हमें प्राप्त होता है, सो दिस ग्राफ कंटेंस एन यूलेरियन सर्किट, हैंस इट इज यूलेरियन। इसके बाद फाइंड डेल्टा जी एंड चाई जी फॉर द फॉलोइंग ग्राफ जी, तो यहाँ पर हम जितने भी वर्टेक्स हैं सबका डिग्री प्राप्त कर लेंगे इस तरह से, V1 का डिग्री, यहाँ 3 एज हैं इससे जुड़ा हुआ, तो यहाँ 3, V2 से कितने जुड़े हुए हैं 3, तो इस तरह से 3, इस तरह से सभी वर्टेक्स का डिग्री फाइंड कर लेंगे और तब जा कर के डेल्टा ऑफ जी निकल जाएगा, यानी जितने भी वर्टेक्स हैं उनका जो डिग्री है उसमें सबसे कम डिग्री क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ जी। ठीक है, इज इक्वल टू 3। ओके, इसके बाद हमें चाई ऑफ जी निकालना है, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मिनिमम कलर की संख्या पता करना होगा जिससे कि हम यहाँ पर इसके सभी वर्टेक्स को कलर कर सकें, और साथ में क्या हो कि एडजेसेंट वर्टेक्स जो हैं, ठीक है, वे सेम कलर के नहीं हों, यानी कि एक एज से जुड़े हुए वर्टेक्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए, उस स्थिति में मिनिमम कलर कितने होंगे जिससे कि सभी वर्टेक्स यहाँ पर कलरफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर टू कलर अ ग्राफ, ठीक है, चाहिए इक्वल टू, तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एज से, इस एज से C1 और C3, इस एज से C2 और C3, इस एज से C1 और C2 डिफरेंट कलर है,
इसी तरह से इस एज से डिफरेंट कलर है, इस एज से डिफरेंट कलर जुड़ा हुआ है, इस एज से डिफरेंट कलर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इस एज से डिफरेंट कलर है, इस एज से डिफरेंट कलर जुड़ा हुआ है, इस एज से डिफरेंट कलर जुड़ा हुआ है, तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर चाई ऑफ सी इक्वल टू क्या है, 4, यानी मिनिमम कलर की संख्या, जिससे कि यहाँ पर हमें उस कंडीशन के साथ यहाँ पर कलर किया जा सके जिसमें कि एडजेसेंट वर्टेक्स क्या हो, सेम कलर के नहीं हो, ठीक है। तो वो कितने हैं, 4। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।